ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फिर देखते हैं कि डेटाबेस को हम डेवलप किस तरह से करते हैं। ये तो था ना, कोई भी सिस्टम आप इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम या कोई और सा भी सिस्टम हो सकता है। तो डेटाबेस के लिए हम जो है स्टेज डेटाबेस डिजाइन अप्रोच यूज करते हैं, पेज नंबर 40 है। अनदर वे टू डिजाइन एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज नोन एज स्टेज डेटाबेस डिजाइन अप्रोच। स्टेज डेटाबेस डिजाइन अप्रोच ये हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए। और ये अप्रोच किस तरह की है, ये टॉप डाउन अप्रोच है, यानी आप ओवरऑल पूरे सिस्टम को इकट्ठा लेके चलते हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी स्टार्ट कर देंगे सबके ऊपर जो काम है। तो इसमें जो पहला स्टेप है हमारे पास, ये इतना ही करना था आपने, इसमें इसमें से जो है पहली वन एंड हाफ लाइन है, उसके बाद एनालाइज यूजर रिक्वायरमेंट्स, दूसरी लाइन में से आपने स्टार्ट करना है। द डिजाइनर शुड क्लोजली स्टडी द करंट सिस्टम एंड इट्स आउटपुट्स। जो है हमारा अभी खाता सिस्टम जो है ना कॉलेज के अंदर, वो सारा वैसे चल रहा है, हम इन रिटर्न सारा काम कर रहे हैं, हाजिरी जो है वो सारी रजिस्टर के ऊपर लगा रहे हैं, क्लर्क्स जो हैं वो सारी एंट्रीज जो है वो रजिस्टर के ऊपर करते हैं, एग्जामिनेशन वाले जो है वो सारी एंट्रीज रजिस्टर के ऊपर करते हैं बाई हैंड, एग्जामिनेशन वाले भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। तो हमने जाकर करंट सिस्टम को देखना है अच्छे तरीके से जो है, और देखना क्या कुछ इसके अंदर एंटर होता है और क्या कुछ इससे आउटपुट जनरेट होती है, रिपोर्ट कौन सी बनती है, और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके साथ साथ ये करना है, ही शुड ऑल्सो इंटरव्यू डिफरेंट यूजर्स टू नो देयर करंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। हम डिफरेंट यूजर से जाके पूछ सकते हैं, यार आप टीचर से पूछ सकते हैं, भाई आपको क्या कुछ चाहिए होता है, आप अभी क्या क्या एंटर कर रहे हैं स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है, और आपको इसके अलावा क्या चाहिए जो आपके रजिस्टर के अंदर नहीं है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ मेरे रजिस्टर के अंदर हाजिरी तो मैं लगा सकता हूँ, नाम भी लिखे हैं, रोल नंबर भी लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें ना उसका प्रीवियस रिजल्ट का जो है ना वो नहीं, कोई खाना बना हुआ, कोई लाइन नहीं बनी हुई, कॉलम नहीं बना हुआ जिसमें उसका प्रीवियस रिजल्ट भी लिखा हो, ताकि मुझे पता हो यार कौन सा बच्चा जो है उसने बेहतर परफॉर्म किया हुआ है, कौन सा बच्चा लायक है, कौन सा बच्चा नालायक है, ताकि नालायक बच्चों के ऊपर हम ज़रा फोकस कर सकें। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है जो हमारे रजिस्टर के अंदर ऑलरेडी नहीं है, तो हम जाके इस तरह देख लेंगे सारी चीज़ें, जो उनसे पूछेंगे, इंटरव्यू करेंगे, वो हमें बता देंगे ये चीज़ें हमें चाहिए। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, लॉजिकल डाटा मॉडल जो हम डिज़ाइन करेंगे, डिवेलप लॉजिकल डाटा मॉडल जो, उसमें हम क्या करेंगे, पहली दो लाइन आप कर लें, द डिज़ाइनर्स डिवेलप अ लॉजिकल डाटा मॉडल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर एनालाइजिंग द यूजर इन्वायरमेंट। हमने जाके सारा कुछ देखा, सारी रिक्वायरमेंट्स देखी, करंटली क्या क्या हो रही हैं, जो करंटली चल रही हैं उनमें से क्या क्या चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, और उनको मजीद कौन कौन सी चाहिए, ये सारी हमने देख ली वहाँ पे जाके। तो उसके मुताबिक फिर हमने एक लॉजिकल डेटा मॉडल डिज़ाइन कर लिया, ये हम काम करेंगे आगे जाके ना, सारी स्टेप बाई स्टेप करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दिस डाटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ ऑल एंटिटीज़, एंटिटी से मुराद आपको पता है वो क्या क्या होंगी हमारे पास में, जिन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी है वो सारी एंटिटीज़ कहलाती हैं। वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो टीचर्स हो सकते हैं, वो कोर्सेज हो सकते हैं, वो आपकी फ़ी की इन्फॉर्मेशन यानी अकाउंट्स आपका हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने जो है ये आपके एंटिटीज बन जाएंगी। एट्रीब्यूट्स इनके बताया हुआ है कि हर एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स, टीचर्स के जो टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन, स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी या जिसे हम रोल नंबर कहते हैं, उसका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मार्क्स एंड सो ऑन, एट्रीब्यूट्स सारे देखेंगे और उनका फिर रिलेशनशिप भी देखेंगे, भाई इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है, हमने डाटा मॉडल में पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि भाई इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है, टीचर का स्टूडेंट्स के साथ क्या है, और बताया था रिलेशनशिप की आगे टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाएगा या ज़्यादा को पढ़ाएगा। देखिए अगर तो सिनेरियो है होम बेस्ड ट्यूशन का, तो वहाँ पर आमतौर पर 1-to-1 होता है, यानी एक टीचर जो है वो सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, लेकिन अगर हम स्कूल कॉलेज वगैरह की बात करें तो वहाँ पर एक टीचर ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। तो इस तरह का हमें रिलेशनशिप फिर फाइंड करना होता है उनके दरमियान में जो, बस यहाँ तक ये दो लाइनें इसकी काफ़ी हैं, डेवलपिंग लॉजिक डाटा मॉडल जो है। उसके बाद चूज अ DBMS, थर्ड वन, द डिज़ाइनर चूज अ पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल डाटा मॉडल। अच्छा यहाँ पे ज़रा देखिएगा, मैंने आपको वहाँ पे भी एग्जांपल दी थी कि हमने डाटा मॉडल डिज़ाइन जो है वो चूज़ कर लिया, हमने चूज़ कर लिया कि हमारे पास ना नेटवर्क डाटा मॉडल हमारे लिए बेहतर है डिज़ाइनर ने, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है, उसने पढ़ा लिखा होता है, उसे पता होता है कौन से मैंने चूज़ करना है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसने कहा हायरार्की ठीक नहीं है, नेटवर्क ठीक है, नेटवर्क मॉडल उसने चूज़ कर लिया, तो फिर ज़ाहरी बात है उसके बाद जब DBMS चूज़ करेगा तो वो भी वही चूज़ करेगा ना जिसके अंदर आपका नेटवर्क मॉडल जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा हो, यानी जो नेटवर्क मॉडल को सपोर्ट करता हो। ये ना हो कि वो हर आर्टिकल को चूज़ कर ले, DBMS जो है डाटा मॉडल उसने जो है वो नेटवर्क का बनाया हुआ, तो ज़ाहरी बात है फिर नेटवर्क मॉडल तो डाटा उस वाले DBMS में जाके इंप्लीमेंट नहीं ना होगा। तो लिहाजा जो डाटा मॉडल आपने डिज़ाइन किया ना उसी के मुताबिक आप DBMS जो है वो चूज़ करेंगे। और याद रखें, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो हमारे पास नेटवर्क मॉडल, सॉरी ये जो हमारे पास डाटा मॉडल है ना, यही असल में टाइप्स ऑफ DBMS भी हैं, क्योंकि जिस तरह का मॉडल होगा डाटा मॉडल जो है उसी तरह का उसका DBMS होगा। तो लिहाजा हमने यहाँ पर जिस तरह का मॉडल जो है वो चूज़ किया है, उसी लिहाज से हम क्या करेंगे कि हम जो है वो DBMS भी उसी तरह का चूज़ करेंगे जिसमें वो मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके।
ओके जी, हमने DBMS चूज़ कर लिया। दिस सिलेक्टेड DBMS शुड सेटिस्फाई आर रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाइज इन द लॉजिकल डाटा मॉडल। और इस DBMS को फिर क्या करना चाहिए कि ये वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हो जो हमने लॉजिकल डाटा मॉडल के अंदर फाइंड किए हैं। जिस तरह मैंने बताया आपको, अगर आपने नेटवर्क मॉडल डिज़ाइन किया है, डाटा मॉडल जो है लॉजिकल, तो आपको फिर DBMS भी वही चूज़ करना चाहिए जो नेटवर्क को सपोर्ट करता हो, जो नेटवर्क की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता हो। ये ना हो वहाँ पर आप हायरार्किकल चूज़ कर लें तो आपको फिर बाद में परेशानी होती रही। ओके जी, चौथा स्टेप, मैप लॉजिकल मॉडल टू DBMS। यानी हम फिर क्या करते हैं, वो जो इम्प्लीमेंटेशन वाली बात की थी हमने, यानी कोडिंग वाली जो बात की थी, हम फिर क्या करते हैं कि वो जो हमने लॉजिकल मॉडल बनाया होता है ना, उसको हम जो है जो DBMS हम चूज़ करते हैं ना, उसके अंदर हम उसे उस तरह का बनाना चाहिए, जिस तरह हमने टेबल बनाई थी, जिस तरह की हमने एंटिटीज़ बनाई थी, उस तरह की एंटिटीज़ हम जो है वो फिर डेटाबेस के अंदर बनानी शुरू कर देते हैं। पढ़ लेते हैं जी, ये पूरी लाइन करनी पड़ेगी आपको, वन एंड हाफ लाइन जो है। दी डिजाइनर मैप्स द लॉजिकल डाटा मॉडल्स टू अवेलेबल डाटा स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेक्टेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चाहे आप इस तरह करें चाहे इस तरह में कर लें कि दी डिजाइनर्स मैप्स द लॉजिकल डाटा मॉडल टू द सिलेक्टेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उधर मैम जो 3-4 लफ्ज़ हैं वो छोड़ सकते हैं आप, ये कर लें तो फिर भी ठीक है। तो वो फिर क्या करना शुरू कर देगा, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा आपके डाटा DBMS के अंदर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है। डिवेलप फिजिकल मॉडल, फिजिकल मॉडल अब डिवेलप हमने करना है। डिजाइनर क्रिएट्स द एग्जैक्ट लेआउट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज ऑफ सिलेक्टेड DBMS एंड अवेलेबल सोर्सेज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। यानी फिर वो क्या करेगा कि वो एक्चुअली, यानी वो जो मैप कर रहा होता है ना, मैपिंग के बाद जो हमारे पास मॉडल बन जाएगा ना DBMS के अंदर, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसको फिर हम कहेंगे वो आपका फिर फिजिकल मॉडल बन जाएगा। और उसमें फिर आपने जो काम कर सकते हैं, वो जारी बात है जो फैसिलिटीज़ आपको DBMS प्रोवाइड करता है, या जो आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जो आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल है, उसके मुताबिक करेंगे ना। मिसाल के तौर पे आपने DBMS चूज़ कर लिया फ्री वाला, तो जारी बात है जो वो उससे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है आप उन्हीं तक ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। आपके पास सिस्टम जो था वो था कोड टू डू, जो आपके पास कंप्यूटर था, तो जारी बात है आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। सॉफ्टवेयर आपके पास जो था, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, वो आपके पास जो था वो विंडोज़ 8 था, तो जारी बात है विंडोज़ 8 पे काम करेगा फिर ये। तो फिर आपका एक्चुअल फिजिकल मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट होके उसने उसके मुताबिक जो है काम करना शुरू कर दिया। आगे दी एवेल्यूएट फिजिकल मॉडल, आपने अब फिजिकल मॉडल जो इम्प्लीमेंट किया इसको एवेल्यूएट कर, देखना कि काम ठीक कर भी रहा है कि नहीं। दी डिजाइनर एवेल्यूएट्स दी फिजिकल मॉडल बाय चेकिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड ट्रांजेक्शन। वो क्या करेगा, वो इसके अंदर जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है उनको देखेगा वो काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनके ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा। ट्रांजेक्शन क्या है, कुछ डाटा एंटर करेगा, उसको फिर चेक करेगा आउटपुट के अंदर आ रही है कि नहीं आ रहा डाटा, वो जो है तो ये सारा चेक करेगा उसके अंदर जो है, और देखेगा क्या वो स्पीड में काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सारी जो है वो परफॉर्मेंस या उसकी एवेल्यूएशन हो जाएगी। फिर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग या परफॉर्म ट्यूनिंग जो है, देखिए काम तो कर रहा है ठीक है, फिर एवेल्यूएशन में हमने देख लिया काम कर रहा है, उसके अंदर ट्रांजेक्शन भी परफॉर्म हो रही है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि जो बंदा उस पर काम कर रहा होता है ना वो अक जाता है, वो कहता है नहीं यार ये क्या, मतलब मैं इसको जो है वो एक कहता हूँ मुझे रिजल्ट शो करवा दो, ये मुझे कहता है मैं कल तुम्हें बताऊँगा। तो भाई आपने सिस्टम क्यों इम्प्लीमेंट किया, बोर्ड की वेबसाइट पे आप अपना रोल नंबर दें और वो कहे जी कल आकर रिजल्ट देख लीजिए, तो आप तंग ही पड़ेंगे ना, या वो 5 मिनट बाद आपको रिजल्ट शो करना फिर भी आप तंग पड़ेंगे। तो फिर हमने करना कि काम तो कर रहा है लेकिन लेट कर रहा है, हमें लेट नहीं चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसकी ट्यूनिंग करेंगे, हम बेहतर करेंगे उसके जो है परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। ट्यूनिंग इज परफॉर्म टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस, यानी उसकी परफॉर्मेंस जो होती है ना तो वो स्पीड से रिजल्ट शो करे, वो टाइम पे रिजल्ट शो करे, ये हम फिर जो है ना इसको हम कहते हैं ये ट्यूनिंग होती है कि हम ट्यूनिंग करेंगे। फिर यहाँ पे ट्यूनिंग हमने कर ली और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट द फिजिकल मॉडल, फिर हम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे ताकि आम यूज़र भी उससे जो है फिर यूज़ कर सकें। द डिज़ाइनर इम्प्लीमेंट्स द फिजिकल मॉडल इफ़ एवेल्यूशन इज सेटिस्फाइंग। अगर एवेल्यूशन जो हमने छठे स्टेप में की थी वो ठीक है, उसके बाद हमने ट्यूनिंग भी कर देंगे, अगर ज़रूरत पेश आएगी तो ट्यूनिंग भी हमने कर दी, और फिर उसके बाद हम इंप्लीमेंट कर देंगे फिजिकल मॉडल को जो है। ये डेटाबेस बिकम्स फंक्शनल, यानी यहाँ पर फिर आपकी डेटाबेस जो फंक्शनल हो जाएगी, वो काम करना शुरू कर देगी। ओके, ये स्टेप्स हो गए। अब इसके बाद आपने डायाग्राम को साथ लाजमन करना है। डायाग्राम में वही चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। एनालाइज यूजर रिक्वायरमेंट्स में ये आ गया हमारे पास स्टेप। इसके बाद आप क्या करेंगे, डेवलप लॉजिकल मॉडल, वही जो हमने पीछे पढ़ा है कि आप लॉजिकल मॉडल जो है ना एक वो डेवलप करेंगे। अच्छा, लॉजिकल मॉडल जो है ना इसमें एक देखें एक तीर फिर वापस आ रहा है एनालाइज यूज़र इन्वायरमेंट की तरफ जो है, यानी आप लॉजिकल मॉडल डेवलप करेंगे लेकिन साथ साथ आप यूज़र रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते रहेंगे, यानी चेक करते रहेंगे।
कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सारा ये जो मैं मॉडल डिज़ाइन कर रहा हूँ वो बन रहा है ना, लॉजिकल मॉडल जो है, लॉजिकल मॉडल आपने सारा वो जो है ना आपने यूज़र रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिज़ाइन कर लिया, इसलिए यहाँ पे जो ना ये एक जो है वो बैकवर्ड एरो जो है बना हुआ है, ताकि आप साथ साथ यूज़र रिक्वायरमेंट्स को चेक करते रहें। ये ना हो कि आपने एक दफ़ा देखी, आपने लॉजिकल मॉडल डेवलप करना शुरू किया, बाद में आपको कुछ भूल गई अंदर से जो है, तो आपने लॉजिकल मॉडल जो डिज़ाइन किया वो फिर आपकी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा ही नहीं, कुछ मिलता होगा कुछ नहीं मिलता होगा। तो लिहाजा आपको साथ साथ यूज़र रिक्वायरमेंट्स चेक करनी पड़ेंगी और साथ साथ आपको लॉजिकल मॉडल जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। ओके जी, ये काम करने के बाद फिर अगला जो स्टेप है हमारे पास वो है चूज़ DBMS। जो आपने लॉजिकल मॉडल डिज़ाइन किया है उसके मुताबिक जो है आपने फिर DBMS को चूज़ कर लेना है। DBMS चूज़ करने के बाद फिर आपने क्या करना है, मैप लॉजिकल मॉडल टू DBMS। फिर हमने वो जो लॉजिकल मॉडल डिज़ाइन किया हुआ था यूज़र रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, उसको फिर हमने क्या करना है, मैप करना शुरू कर देना है कि किस तरह का जो है वो वहाँ पे जाकर इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी। ठीक है जी, तो ये जो लॉजिकल मॉडल आप जो है वो यहाँ पे कर रहे होंगे, मैप कर रहे होंगे, उसमें फिर आपने जो है वो DBMS को साथ साथ चेक करते रहना कि DBMS ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है आपको कि नहीं करता। फिर आप क्या करेंगे, फिजिकल मॉडल डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे इसका जो है, और फिजिकल डिज़ाइन के अंदर आप फिर देखें बैक आर वापस आ रहा है फिर जो है, यानी आप साथ साथ जो आपने मैपिंग की हुई है ना आपने ऑलरेडी की, यहाँ से ये चीज़ को इस तरह हम फिजिकल के अंदर देखेंगे, आपने उसी के मुताबिक फिर सारा फिजिकल के अंदर जो है वो काम करना है कि भाई हमने वहाँ पे ये टेबल बनाया हुआ था, ER डायग्राम के अंदर ये हमारे पास लॉजिकल मॉडल था, हमने उसके लिए ये टेबल बनाया था, उस टेबल को हमने फिर जो है यहाँ पे फिजिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है डाटाबेस के अंदर। ओके जी, इसके बाद फिर आपने क्या किया, एवेल्युएट फिजिकल मॉडल, फिजिकल मॉडल को एवेल्युएट किया वो ठीक है, और ट्यून द सिस्टम, और सिस्टम को ट्यून करना शुरू कर दिया। अगर सिस्टम ट्यूनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा DBMS पे, यानी अगर आपका सिस्टम ट्यून नहीं हो रहा, उसके मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जो आप चाह रहे थे, उतनी स्पीड से रिजल्ट नहीं दे रहा, तो फिर मतलब ये आपने DBMS गलत चूज़ कर लिया हुआ है, आप फिर वापस जाएंगे DBMS को चेंज करेंगे। DBMS को चेंज करने के साथ साथ आप फिर जो है ना वो ये भी देखेंगे कि आपका जो है ना ये लॉजिकल मॉडल जो है इसको आपने ठीक तरह से मैप नहीं किया फिजिकल मॉडल के अंदर जो है, या DBMS के अंदर सही तरह से आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ट्यूनिंग के अंदर आपने ये दो चीज़ें चेक करनी होती हैं कि आपका यहाँ तो DBMS ठीक नहीं है, यहाँ आपने जो मैपिंग की है ना वो ठीक नहीं है, यानी जो आपने लॉजिकल मॉडल से फिजिकल मॉडल या DBMS के अंदर मैपिंग की है ना वो ठीक नहीं है, तो इसलिए ट्यून सिस्टम से आप फिर वापस यहाँ पर आकर चेक करती हैं। सिस्टम को आपने फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट कर दिया जब ट्यूनिंग हो गई, इम्प्लीमेंट होने के बाद आपको अगर फर्ज कर लें ये फील होता है ना कि भाई हमारा सिस्टम तो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है ही नहीं, तो फिर आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ सिनेरियोज हैं, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें ऐसा हो भी गया हुआ है या हो चुका हुआ है, तो उसमें फिर आपको सिस्टम दोबारा से सारा बनाना पड़ता है। ठीक है, आपने फ़र्ज़ कर लें रिक्वायरमेंट्स दी कि हमें एक घर चाहिए, उसमें 5 कमरे होने चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, यहाँ पे डाइनिंग रूम, यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम, यहाँ पे किचन होना चाहिए, एंड सो ऑन। अच्छा, आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, आपने कहा था जी छत जो है ना इसकी वो 11 फीट पे होनी चाहिए, वो क्या करता है, वो करता है वो 5 फीट पे छत डाल देता है और अंदर कोई चीज़ नहीं बनाता। आप उसे आ कहते हैं यार ये तुमने क्या कर दिया है, बता मैंने समझा तुमसे शायद जोड़ा थी कुड़ियाँ रखनियाँ ने, यानी आपने यहाँ पे मुर्गी खाना बनाना था, मुझे तो ये था इसलिए मैं 5 फीट पे छत डाल दी है और मैंने इसके अंदर कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मुर्गियों को आप ऐसे ही खुले हाल के अंदर रखते हैं, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, उसी के अंदर रहना शुरू कर देंगे? नहीं, आप शुरू से फिर सारा डेवलप करवाएंगे। हुआ क्या है कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो ठीक तरह से फुलफिल नहीं हो रही। अब 5 फीट का छत है वो तो आप अंदर जा ही नहीं सकेंगे, तो इसलिए आप फिर दोबारा से सारा वो जो है कंस्ट्रक्ट दोबारा से करना पड़ेगा। इसलिए इम्प्लीमेंट सिस्टम के बाद उसने कहा कि अगर फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो रही हो तो फिर आपको शुरू पे आना पड़ता है, यानी आपको फिर दोबारा यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को जो है इन्वायरमेंट को जो है फाइनलाइज करना पड़ता है। यार ये बंदे जो हैं ये कुछ 6-6 फिट के बंदे हैं, मैंने लेंटरी 5 फिट पर डाल दिया है, तो ये तो जाते हुए इनका सर जो है या तो जो है लगेगा साथ जो है, या फिर उनको झुक के जाना पड़ेगा अंदर जो है, तो मतलब ये तो नहीं फिर हो रहा ना, तो फिर आपको शुरू से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, मैंने यहाँ पे हॉल बना दिया तो ये कौन सी मुर्गी हैं कि इन्होंने अंदर आके जो है वो इस तरह खुले में रहना है, इनके लिए तो अंदर कमरे शमरे होने चाहिए, मतलब अलग से जो है वो हर एक चीज़ के लिए अलग से रूम होना चाहिए, तो ये तो फिर इसी तरीके से आकर अंदर रहेंगे ना, तो इसलिए ये फिर सारे आपको शुरू से करना पड़ेगा अगर आपने इम्प्लीमेंट सिस्टम के बाद जो है वो ठीक तरह से काम नहीं किया हुआ।
ओके जी, तो मेरा ख्याल अब आपको डायग्राम की समझ आ गई होगी। तो इस डायग्राम को भी नीचे इसने दी हुई है डिटेल जो है वो आप पढ़ लीजिएगा सिर्फ जो है, और इसको अपने अल्फाज में डायग्राम को एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। तो ये हमारा होता है डाटाबेस को इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ेकार, इसके मदद से आप करते हैं। कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं SDLC से, लेकिन ये कुछ चीज़ें मुख्तलिफ भी हैं, अलबत्त आपको जो है वो इसी तरह से इसको जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके जी, बाकी लेक्चर का हिस्सा जो है अभी फिर मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजता हूँ।